नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बोकारो में अभिभावक संघ, प्रशासन और निजी स्कूल के बीच समस्या बढ़ती जा रही है। इस समस्याओं के चलते सरकार ने 25 जून को आदेश निकाली, लेकिन निजी स्कूल द्वारा इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी के चलते 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। विगत अप्रैल माह से अभिभावकों की आवाज बनकर अभिभावक संघ, प्रशासन व निजी स्कूलों के बीच अभिभावकों की समस्या को बताते आ रही। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने 25 जून को आदेश निकाले, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा उन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। वैसे अभिभावक जो फीस देने में सक्षम नहीं, उनसे फीस नहीं ली जाए। ऑनलाइन क्लास व रेगुलर क्लास की फीस तय हो। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए क्लास नर्सरी से क्लास 7 तक बंद हो। झारखंड अधिनियम 2017 को लागू करो। सरकार द्वारा जारी आदेश का पालन ना करने वाले स्कूलों की NOC रद्द हो। क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों की बोर्ड रजिस्ट्रेशन फीस के चलते रोका ना जाए। अभिभावक त्रस्त होकर उपायुक्त के सामने गुहार लगाई, राहत दे राहत दे। अभिभावकों ने कहा कि रेगुलर क्लास व ऑनलाइन क्लास की फीस एक समान क्यों? बड़े बड़े कॉलेज में रेगुलर क्लास की 20% फी ही ली जा रही। बच्चों को ऑनलाइन क्लास के बहाने फीस मांगी जा रही, डिफॉल्टर घोषित करने की धमकी दे रही, मानसिक रूप से शोषित हो रहे, घर चलाए या मोटी फीस दे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, किस चीज को लेकर? देखिए, अभी बहुत दुख की बात है कि हम लोग करीब 3 महीने से अभिभावक लोग ग्रसित हैं, और 3 महीने से हम लोग सड़क पर भी आ चुके हैं, जिसमें अभी तक ना कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, ना झारखंड सरकार के द्वारा, ना केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग कोई भी सहायता नहीं दिया गया। अब ये मैं झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन की स्थिति जो आई हुई है, इसमें सारे मध्यम वर्ग के लोग या गरीब वर्ग के लोग, सारे लोगों का आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, तो उनका आमदनी भी बंद है। तो अब हम लोग ये बताइए कि अब हम लोग इसमें जब आमदनी ही बंद है, तो हम लोग इसका स्कूल फीस जो है, हम लोग कहाँ से भरपाई करेंगे? उसमें नहीं है कि ऑनलाइन जो फी है उसको, मैंने कि 3 महीना का जो सरकारी जो खुद बोले थे कि नहीं होगा, अपने स्कूल का मास्टर लोग फोन कर करके बोला कि स्कूल के बच्चे लोग फी बंद, फी मम्मी पापा को बोलो फी स्कूल में जमा करो, फी जमा करो। हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है स्कूल तरफ से। कोरोना काल में हम लोग का, माने कि प्राइवेट काम ही सर हम लोग को छूट गया, बहुत मुश्किल से तंगी हालत से हम लोग सर खाने के लिए हम लोग आ रहे हैं, ये मास्टर लोग हम लोग से पैसा मांगता है। क्या सच है क्या झूठ? अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN न्यूज।